स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरके धवन किचन में। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे पालक कोफ्ता करी। पालक कोफ्ता करी बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, आधा मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये आधी पत्तियां ऐसे ही साबुत रखी हैं। आधी पत्तियों को उबालेंगे। तो बनाने के लिए ये मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है और ये एक उबला हुआ आलू लिया है। और कोफ्ते बनाने के लिए इसमें मैंने ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं। ये आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी ली है और ये आधी चम्मच इसमें नमक ले लिया है और ये आधा छोटी चम्मच से भी कम मैंने इसमें मिर्च ली है और ये आधी चम्मच इसमें कसूरी मेथी ली है और ये आधी चम्मच इसमें जीरा है और ये कूटी हुई काली मिर्च है, धनिया की पत्ती और इसमें तीन हरी मिर्च बारीक काट ली हैं। चलिए कोफ्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो पालक डाल दिया है, अब इसमें ये सूखे मसाले डालेंगे। देखिए हरा धनिया हरी मिर्च डल गई है और ये जीरा काली मिर्च और ये इसमें हल्दी डल गई है और ये कसूरी मेथी, ये पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें ये नमक डल गया है। इसमें बेसन डाल लेंगे। बेसन डालने के बाद इसमें ये उबला हुआ आलू इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हाथ से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। फ्रेंड्स, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि इसमें आलू हमने डाला है, तो आलू के साथ साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। गैस को मैंने चालू कर लिया है और ये पालक को 5 मिनट के लिए उबालने के लिए रख दें मीडियम आंच पे। ये देखिए पालक के ऊपर मैंने इतना पानी लिया है, अब इसको उबलने दें। एक साइड में कढ़ाई रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते बनाने के लिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये मैंने गोल गोल कोफ्ते बना लिए हैं, अब इसको तेल में डाल देंगे। देखिए इस तरीके से सारे कोफ्तों को गर्म तेल में डाल दें। एक साइड में पालक भी उबल के तैयार हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। कोफ्ते को हल्का हल्का सा इस तरीके से हिलाएंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लें। कोफ्ते सिक के तैयार हो गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और कोफ्तों को निकाल लें प्लेट में। ये देखिए कितने अच्छे से कोफ्ते सिक के तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब कोफ्ता करी बनाने के लिए जो हमने ये पालक को उबाला था, पालक को मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। फ्रेंड्स, पालक का भी फाइन पेस्ट बन गया है। ये देखिए इस तरीके से फाइन पेस्ट बनाना है और ये दो टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें तैयार किया है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच और ये इसमें कुछ सूखे मसाले लिए हैं, आधा छोटी चम्मच इसमें हल्दी ली है और ये इसमें जीरा लिया है और ये 2 लौंग और 3 काली मिर्च और एक ये बड़ी इलायची ली है और ये 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ले ली है और ये आधा चम्मच इसमें मैंने नमक लिया है और ये 1 छोटी चम्मच इसमें मैंने धनिया लिया है, धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। कटी हुई मैंने इसमें बारीक प्याज ले ली है। चलिए शुरू करते हैं करी को बनाना। गैस को मैंने चालू कर दिया है और कढ़ाई को रख दिया है। इसमें आधी कटोरी सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। मीडियम आंच पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब तेल में ये जीरा और लौंग डाल देंगे और इसमें साथ में ये बारीक कटी हुई प्याज भी डल जाएगी। दो मिनट के लिए अच्छे से प्याज को सुनहरा कर लें। आंच पे प्याज सुनहरी हो गई है, अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये टमाटर का पेस्ट और ये सारे सूखे मसाले मसाले में डाल देंगे। ये देखिए मिर्च डाल दिए मैंने इसमें, हल्दी और ये धनिया और ये नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें।
कसूरी मेथी इसमें बाद में डालेंगे। मिनट के बाद मीडियम आंच पे मसाला हल्का सा भून गया है, अब इसमें ये पालक डाल देंगे। पालक डल जाएगा, पालक को भी अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल के अच्छे से इसमें मसाले में डाल दें। 5 मिनट के लिए करी को अच्छे से चलाते रहें। 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे करी को ढक दें। फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे, ये देखिए करी बनके तैयार है। अब इसमें ये कसूरी मेथी डल जाएगी और ये इसमें 1/2 चम्मच ये मैंने गरम मसाला लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दें। अब इसे थोड़ा सा मीडियम आंच पे अच्छे से चला लें 1 मिनट के लिए। फ्रेंड्स करी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे, कोफ्ते को अच्छे से मसाले में चला दें। मसाले में कोफ्ते को चलाने के बाद इसमें 1/2 छोटा गिलास पानी डल जाएगा, ये देखिए। आप इसको गाढ़ा या अपने हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। और पानी को 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लें। कोफ्ता करी बनके तैयार हो जाएगी। कोफ्ता करी बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसमें ये 1 फ्रेश चम्मच मलाई डल जाएगी, ये देखिए। मलाई डालने से इसमें अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से चला दें। अब इसे डिश में निकाल लेंगे। कोफ्ता करी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें ये मक्खन डाल देंगे थोड़ा सा। मक्खन डालने के बाद इसमें ये साबुत लाल मिर्च डल जाएगी और इसे मिर्च को अच्छे से लाल कर लें मक्खन में। फ्रेंड्स मक्खन में मिर्च फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हल्की सी हींग डाल देंगे 2 पिंच और गैस को बंद कर लेंगे। इसे कोफ्ता करी को फ्राई कर देंगे मक्खन से। इसमें देखिए कितना अच्छा टेस्ट आने वाला है। फ्रेंड्स कितने अच्छे से कोफ्ता करी बनके तैयार हो गई है और इसका कितना लाजवाब टेस्ट आने वाला है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके से कोफ्ता करी को बनाओगे तो खाने वाला भी तारीफ करेगा कि आपने कोफ्ता करी को किस तरीके से बनाया है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोफ्ता करी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में लिखें आपको कोफ्ता करी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो।